हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ एडिशन ऑफ द दिल्ली एनसीआर ओपन 2023। आज हमारे साथ अशोक कुमार जी हैं। अशोक कुमार हैज़ वन 29 टूर्नामेंट्स ऑन द पीजीटीआई। ही हैज़ वन द ऑर्डर ऑफ मेरिट 3 टाइम्स एंड हिज लोएस्ट स्कोर हैज़ बीन 64 मोर देन वंस। सो आज यू नो हर आदमी की कोई खासियत होती है एंड आई थिंक अशोक इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेटर चिपर्स ऑन द PGTI। उसकी चिपिंग हमेशा देख के हम प्रैक्टिस करते थे पहले कि यार ये अशोक की जैसे पिच चिपिंग होनी चाहिए। तो आज अशोक हमारे साथ हैं। अशोक, अपनी चिपिंग में जब आप चिप करते हो तो आपके दो चार चीज़ हमें बताओ जो आप ध्यान में रखते हो चिप मारने के पहले, कि आपने क्या सोचते हो कि किस चीज़ को देखते हो। नहीं, सबसे पहले तो मैं अपना बॉल पोजिशन देखता हूँ, जो अपना बॉल कैसी पड़ी हुई है और क्या शॉट खेलना है, क्योंकि चिपिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो आप शॉट क्या खेल रहे हो उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। एंड डिफरेंट डिफरेंट क्लब पे आप लो बॉल से लेके आप 7 आयरन तक चिप मार सकते हो या 5 आयरन तक भी चिप मार सकते हो, लेकिन डिपेंड ऑन द स्पेस कितना है अपने पास। जैसे अब ये शॉट है, छोटे चिप है, तो इसको मैं 7 से मारूंगा, थोड़ा स्पेस ज़्यादा है तो इसको मैं 52 से मारूंगा। तो डिपेंड करता है जो अपने पास स्पेस कितना है और कितना बॉल को गिरा के रन देना है। तो आप ज़्यादातर रोल में ज़्यादा विश्वास करते हो या स्पिन में? नहीं, डिपेंड करता है जो शॉट कौन सा खेल रहे हैं। जैसे अब बैक फ्लैग है तो ये तो इस पर तो रोल पे ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा, और जैसे शॉर्ट फ्लैग है, जैसे जस्ट ऑन फ्लैग है, ये तो इस पर थोड़ा सा स्पिन पे। आपकी हमारी ये एपिसोड को काफ़ी यंग बच्चे देखेंगे और सोचेंगे कि यार मेरी भी चिपिंग अशोक की तरह हो, है ना। पर उनको ये बताना है ज़रूरी होगा कि अशोक ने इसको इतना कंट्रोल हासिल करने के लिए क्या किया। आई थिंक चिपिंग का सबसे ज़रूरी चीज़ आप प्रैक्टिस करते रहो डिफरेंट डिफरेंट शॉट और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपके जब चिप मारते हो तो हमेशा देखो जो बॉल किस एंगल पर पड़ी हुई है वो देखना ज़रूरी होता है। यानी जो बॉल पड़ी है और हमने लॉब वेज निकाल लिया और उसका शॉट नहीं और हमारा फिर डफ लग गया, टॉप लग गया, तो डिपेंड करते सब ये बॉल ऐसे पड़ी है तो यहाँ पे तो लॉब वेज नहीं मार सकते हैं। तो डिपेंड लाइक 7 आयरन 8 आयरन हिट लाइक रोल शॉट, थोड़ी सी लय अच्छी पड़ी है तो उसको फिर आप 7 से चिप कर सकते हो आप। तो चिपिंग में बस यही जो आप डिफरेंट डिफरेंट लय से प्रैक्टिस करो, अलग अलग जगह से, अलग अलग लय से, अलग अलग क्लब से, है ना। So, thanks Ashok. Welcome sir. Thanks sir. All the best. Thanks, play sir. Well. Thanks sir. Hope you win.